उत्तर प्रदेश के बोरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया। अक्सर चर्चा में रहने वाले सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर ममता राष्ट्र विरोधियों का साथ देती रहेंगी तो उन्हें भी पी चिदम्बरम की तरह सबक सिखाया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता चिदम्बरम इस वक्त जेल में है। वह INX मीडिया घोटाले मामले के आरोपी है। एनआरसी के जरिए किसको मतलब लागू नहीं होना देना चाहती, तो बचाना किसको चाहती? बचाना चाहती वो विदेशी ताकतों के बल पर राजनीति करती है। ममता बनर्जी जी बहन ममता बनर्जी जी नहीं भूल जाती हैं कि उनका आपका वो जो है दुर्बल दिन आने वाला है, या भाव भाषा बदल दो, नहीं तो बंगाल में जा करके राजनीति करना है तो बांग्लादेश में चले जाइए। जब बांग्लादेशियों को रख करके राजनीति करना है तो अच्छा होगा, हम निवेदन करता हूँ कि उनको जा करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए राजनीति करके, यदि हिम्मत हो तो। लेकिन भारत की धरती पर विदेशी आकर के रिफ्यूजी बनकर के रहें और भारतीय राजनीति को प्रभावित करें, इसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे नेता का तो घोषणा है, इतना तो साहसपूर्वक कोई घोषणा करता ही नहीं है। धन्यवाद दीजिए आप सब लोग पत्रकार भाइयों, कम से कम हमारे नेता मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी स्पष्ट रूप से डंका की चोट पर कह रहे हैं कि अब भारत की सीमा में विदेशी ताकतों को रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ममता बनर्जी को रहने की इजाजत है? ममता बनर्जी जी चूंकि यहाँ की हैं तो इजाजत है, लेकिन यदि 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 राष्ट्रद्रोह की भावना से अभिप्रेरित हो जाएंगी तो उनके लिए भी जो है जैसे जैसे पी चिदम्बरम और कौन कौन लोग जा रहे हैं ना, तो राष्ट्रद्रोह के परिस्थिति में उनको भी जो है सबक सिखाया जा सके। इतना तो उत्तर प्रदेश के बोरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को सुन रहे थे आप। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और ये कहा कि बहुत जल्द अगर वो इसी तरह रही तो पी चिदम्बरम की तरह, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की तरह उनको भी जेल जाना पड़ेगा। ये जो बयान था वो जब उन पर NRC को लेकर तृणमूल कांग्रेस का जो रुख है उसको लेकर प्रश्न किया गया तो सुरेंद्र सिंह ने ये बयान दिया, जिसकी चारों ओर अब चर्चा तो हो रही है लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल पंडित इसकी अब आलोचना भी करना शुरू कर चुके हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के बोरिया से विधायक है सुरेंद्र सिंह। आपको एक बार फिर बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी राष्ट्र विरोधियों का साथ देती रहेंगी तो उन्हें भी पी चिदम्बरम की तरह सबक सिखाया जा सकता है। सबक सिखाने का मतलब यहां पर कि जिस तरह पी चिदम्बरम इस समय जेल में है INX मीडिया केस को लेकर, तो उस तरह एक किस्म की धमकी दी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। इस खबर पर कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज पे। सियासी मतभेद होना किसी से अलग बात होती है, लेकिन किसी को इस तरह धमकाना कि अगर आपका किसी मुद्दे को लेकर अलग रुख है तो आपका हशर भी एक ऐसे नेता की तरह होगा जो INX मीडिया केस के ट्रायल्स इस समय भुगत रहा है, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में जरा भी विश्वास नहीं रह गया। ये एक तानाशाह रवैया सरकार का हो गया, जिस मकसद से इस देश की जनता ने इतना बड़ा जनमत दिया था उस पर पूरी तरह से विफल हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज अपनी सफलता को वो केवल एक मुद्दे के लिए इस्तेमाल करी, किस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाए। जहां तक ममता बनर्जी की बात है, वो एक प्रदेश की वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी हैं और चुनी हुई सरकार की चीफ मिनिस्टर हैं। उनके साथ वहां के लोगों की भावनाएं हैं, उनका विश्वास है। इस तरह से अगर NRC के मामले पे उनके प्रदेश की जनता की राय कुछ है और एक मुख्यमंत्री के रूप में वो उस राय को रख नहीं है तो ये उनका कर्तव्य भी है, दायित्व भी है जी। अगर उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि अगर आप या तो मेरे साथ है वरना आप देशद्रोही हैं, ये एक भारतीय जनता पार्टी ने मानसिकता बना दी है। इस तरह से नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, चाहे CBI हो चाहे ED हो इसके माध्यम से, तो ये बहुत दुखद है। इसलिए देश की जनता ने नहीं चुना था। असली मुद्दे पे बात करें, क्या बेरोजगारी का हाल है, क्या आर्थिक मंदी के दौर से देश गुजर रहा है, ये सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ना बात करना चाहती है और भटकाने के लिए देश की जनता का
दिमाग लेकिन ये इस आराधना तरह जी, के ये मुद्दों को भारतीय लाते हैं। राजनीति का एक माना जाएगा तो बुरा चेहरा है, जहां पर जितने भी सियासतदान होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपने बयानों को नहीं तोलते कि आखिर उनके बयानों का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं थी, बीजेपी भी पीछे नहीं है, और जाहिर तौर पर हर सियासी दल का कोई ना कोई नुमाइंदा ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं अपने बयानों से अपनी पार्टी को शर्मिंदा करता है। देखिए बिल्कुल सही है, राजनीति में राजनेता जो होता है उसको पूरे उसको पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है, और वो जो बोलता है उसको उसको बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करते हैं, वो बहुत सारे लोग उसके उसको आइडियलाइज भी करते हैं। तो हमेशा चाहे चाहे वो जिस दल का नेता हो, चाहे वो जिस पार्टी का हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पूरा देश उसको देख रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान समय के अभाव के कारण नुकसान आपकी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आराधना मिश्रा जी। तो कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा हमारे साथ जुड़ी थी और सीधे तौर पर सुरेंद्र सिंह के इस बयान को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है।